के अंदर मेमोरी वाला टॉपिक कर रहे हैं। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर मेमोरी होती है, मेमोरी किस लिए होती है कि एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो हमारी मेमोरी में जाके सेव हो जाती हैं, या आपकी इमेजेस है, वीडियोस है, उन सभी के लिए हमें क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। जैसे मोबाइल के अंदर मेमोरी होती है, वैसी कंप्यूटर्स लैपटॉप के अंदर भी क्या होती है, मेमोरी होती है। इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, फाइल्स स्टोर करने के लिए, वीडियोस जो भी कुछ है सभी को स्टोर करने के लिए क्या है, मेमोरी चाहिए होती है। ये सारा हमारा जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो एप्लीकेशंस वगैरह डलवाते हो, विंडो वगैरह होती है, ये सारी हमारी क्या है, मेमोरी में जाके क्या होती है, सेव हो जाती है। तो क्या है, मेमोरी हमारा एक ऐसा फिजिकल डिवाइस है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, टेम्परेरी और परमानेंट। ये स्मॉल यूनिट में भी हो सकता है हमारा डेटा, और लार्ज यूनिट में भी हो सकता है। जो हर एक मेमोरी है उसका क्या होता है, एड्रेस होता है। मतलब कोई भी डेटा कहीं स्टोर है उसका हर किसी का अपना क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है। उस एड्रेस पे जाके हमारा क्या होता है, डेटा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर कुछ भी स्टोर करते हो या न्यू चीज़ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में राइट। और जब भी हम कोई भी डेटा फेच करते हैं, जैसे हमने कोई एप्लीकेशन ओपन कर ली या कुछ भी हमने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर ओपन किया है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रीड। कंप्यूटर की फॉर्म में हम रीड और राइट, आपको क्लियर हो गया किसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है, जो हम हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है ना, मेमोरी की लोकेशन है वो फिक्स्ड नंबर, मतलब जितनी हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है या हमारी लैपटॉप के अंदर मेमोरी है, उसकी पर्टिकुलर क्या होती है, वर्ड लेंथ होती है। उसके बाद जो हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या है, बिट जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी की। अगर हम बात करें, बिट जो है ना ओनली या तो 0 सेव करेगी या 1, बस बिट का इतना ही साइज है, ठीक है। और उसके बाद जो बिट के बाद होती है, फिर हमारे पास क्या है, हमारी ये अलग अलग मेमोरी की यूनिट्स हैं, बिट ओनली 0 या 1 स्टोर करेगी, दोनों नहीं स्टोर करेगी। बिट का साइज इतना ही है, वो या तो 0 स्टोर कर सकती है या 1, दोनों चीजें नहीं। उसके बाद जो निबल होता है, निबल जो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, वो ओनली 4 बिट्स का डेटा स्टोर करती है। उसके बाद जो बाइट है, ये बाइट कितना डेटा स्टोर करती है, 8 बिट्स का डेटा स्टोर करती है बाइट। उसके बाद आगे आगे हमारी मेमोरी यूनिट्स क्या बढ़ती जाती हैं, किलो बाइट्स होती है। ये कई बार शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, कई बार फुल फॉर्म में आ जाता है, बट के बी स्टैंड फॉर किलो बाइट। तो किलो बाइट कितना डेटा स्टोर करती है, 1024 बाइट्स। मेगा बाइट्स 1024 KB। ये ऐसे ऐसे मतलब इसका साइज आता रहता है। ये देखो किलो बाइट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे MB में KB आ जाएगा, मेगा वाली जो गीगा बाइट है उसमें MB आ जाएगा। आपने देखा होगा, आप जब मतलब आपको नेट भी मिलता है ना, या तो आपको 1 GB नेट मिलता है या फिर आपको मिलता है 1.5 GB नेट। मतलब जिस अकॉर्डिंग आप मोबाइल में रिचार्ज करते हो ना, उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा यूज़ करने को मिल जाता है। तो ये वही चीज़ है, जैसे आपको 1 GB डेटा मिला ना यूज़ करने के लिए, दैट मीन्स कि आपको 1024 MB डेटा मिला है यूज़ करने के लिए। आप कई बार क्या होता है, जो मोबाइल वगैरह होते हैं, हम वहाँ पे हमेशा होता रहता है कि आपका इतना डेटा यूज़ हो गया, 824 MB यूज़ हो गया, 900 MB यूज हो गया। दैट मीन्स कि अगर आपको 1 GB डेटा मिला है ना, जब आपका 1024 MB आपका डेटा यूज हो गया ना, मतलब कि आपका 1 GB डेटा क्या हो चुका है, यूज हो चुका है। तो ये हमारी मेमोरी के आगे आगे क्या है, यूनिट्स है। जो मैक्सिमम जो योटा बाइट सबसे ज्यादा क्या है, मेमोरी साइज है, इससे ज्यादा मेमोरी साइज नहीं है। अगर स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो बिट है, और उसके बाद जो मैक्सिमम यूनिट की बात करें तो योटा योटा बाइट है। इसकी कितनी है, 1024 जोटा बाइट है। तो ये हमारी अलग अलग मेमोरी की यूनिट्स है। जितनी मेमोरी की कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम उसके में क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो बिट है, जो कैपिटल बी है उसको हम बाइट भी बोल देते हैं, स्मॉल बी को हम बोल देते हैं बिट। तो कई बार एग्जाम में ऐसा कुछ भी आ जाता है, कैपिटल बी, या फिर कई बार आता है 1 byte इज इक्वल टू, तो 1 byte है ना जो, वो कितनी, 8 bits के बराबर होती है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, हमारे पास ये कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है, ये देखोगे जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, ये हमारी रैम होती है और ये हमारी रोम होती है कंप्यूटर के अंदर। और जैसे ये सारे क्या है, हमारी कंप्यूटर की मेमोरीज हैं, कंप्यूटर की मेमोरी CD, DVD, ये फ्लॉपी डिस्क होती है, ये पेन ड्राइव्स होती हैं, और ये रोम है, ये रैम है। ये सारा हमारा जो रैम है, रोम है, ये हमारा क्या होता है, मदरबोर्ड के ऊपर क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ये देखो, ये हमारी मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्टेड होता है रैम रोम। वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपने आज के लिए इतना ही करना है कि जो हमारी मेमोरी की जो डेफिनेशन है वो करनी है, और उसके बाद जो मेमोरी की ये यूनिट्स हैं आपने, और उसके साथ साथ उसका साइज भी याद करना है, 1 बिट का, निबल का, बाइट का, किलो बाइट का, मेगा बाइट का, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट, एक्जा बाइट, जोटा बाइट और जोटा बाइट।
तो ये आपने फिलहाल इतना करना है यूनिट्स ऑफ मेमोरी की। आगे हम रीड करेंगे कि जो ये मेमोरीज होती हैं रैम रोम ये सारी हमारी क्या है कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्टेड होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, की थी मेमोरी की। उसके बाद जो मेमोरी होती है हमारी टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंड जो होती है सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी को हम मेन मेमोरी इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, सेकेंडरी को एक्सटर्नल ऑक्सिलरी और बैकिंग स्टोर मेमोरी भी बोलते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी होती है आगे थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी। जो सेकेंडरी होती है वो सीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, डीवीडी, ये हमारी सारी क्या है सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है हमारी आगे थ्री टाइप्स में होती है, वॉलेटाइल, कैश और नॉन वॉलेटाइल। आज हम वॉलेटाइल कर रहे हैं, वॉलेटाइल के अंदर जो कि है रैम आती है। वॉलेटाइल के अंदर जो रैम मेमोरी है वो सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर लोकेटेड होती है। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको वॉलेटाइल मेमोरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज जब हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है या शट डाउन कर देते हैं या मतलब इन केस लाइट वगैरह चली जाती है तब बंद हो जाता है, तब उसके मेमोरी के अंदर रैम के अंदर जो डेटा होता है ना वो क्या होता है लॉस्ट हो जाता है। रैम के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होता है, जैसे आपने कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो तो उसका जब आपने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बनाया इनपुट कर रहे हो वो हमारी इनपुट जो है रैम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, उसके भी प्रोसेसिंग करेगा वो सारी और आउटपुट दिखाएगा वो भी रैम के अंदर होगी। जब तक आप उसको सेव नहीं करते ना वो सारा डेटा हमारा क्या है रैम के अंदर क्या रहता है स्टोर रहता है, जब तक हम डेटा को सेव नहीं करते। या फिर हम बोलते हैं रैम में किस टाइप का और डेटा होता है, जैसे आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हो ना तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमारा जो विंडो है ना वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसकी एक कॉपी जनरेट हो जाती है और वो सारी फाइल्स उससे रिलेटेड कंप्यूटर को स्टार्ट करने से रिलेटेड जो भी फाइल्स है या ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारा क्या है उसका डेटा जो सारी एक कॉपी जनरेट होके रैम के अंदर जाके क्या हो जाती है स्टोर हो जाती है और हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, हमें कंप्यूटर की स्क्रीन दिखने लग जाती है। जब हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं या लाइट के कारण लाइट चली जाती है तब जो रैम के अंदर जाके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने से रिलेटेड फाइल्स वहां जाके कॉपी हुई थी ना रैम के अंदर वो सारी की सारी क्या हो जाती है डिलीट हो जाती है मतलब लॉस्ट हो जाती है। फिर जब हम कंप्यूटर फिर स्टार्ट करते हैं फिर वही प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी फाइल्स जो जो चाहिए होती हैं वो सारी फिर कॉपी होकर रैम के अंदर स्टोर हो जाती हैं। और जब हम शट डाउन कर देते हैं या हमारा लाइट वगैरह ऑफ हो जाती है कंप्यूटर सिस्टम की तब वो सारी फाइल्स फिर लॉस्ट हो जाती हैं। तो इसलिए जो है इसको हम क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोलते हैं रैम को। तो वो क्या कह रहा है, नन ऑफ आर प्रोग्राम वुड वर्क विदाउट रैम, बिना रैम के हमारा कोई भी प्रोग्राम है वर्क नहीं करेगा। रैम तो मैंडेटरी पार्ट है, आप चाहे अपने मोबाइल में लगा लो या कंप्यूटर के अंदर लगा लो। तो इसके अंदर जो भी है प्लेस डेटा है वो इंफॉर्मेशन क्या है, जब भी हम यूजर इनपुट करते हैं वो भी इंफॉर्मेशन रैम के अंदर होती है और उसके बाद आउटपुट के बाद जो शो हो रही है वो भी हमारी क्या है रैम के अंदर होती है। बट ये डेटा जो भी होल्ड करता है टेम्परेरी डेटा होल्ड करता है रैम। जो आगे हमारी रैम की टाइप्स हैं, टू टाइप्स की रैम होती है, डायनामिक रैम होती है और स्टैटिक रैम होती है। डायनामिक को हम डी रैम भी बोलते हैं और स्टैटिक को एस रैम भी बोलते हैं। रैम हमारी कहाँ होती है, जो हमारा सीपीयू होता है जिसको हम कैबिन भी बोलते हैं उसके अंदर मदरबोर्ड होती है, मदरबोर्ड के ऊपर हमारी रैम लोकेटेड होती है। तो यहाँ पे हमने रैम स्टडी की है, रैम हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है जो कि प्राइमरी मेमोरी के अंडर आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेमोरी है कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी भी हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंडर आती है। कैश मेमोरी हमारी क्यों जरूरत पड़ती है कैश मेमोरी की, कैश मेमोरी है जो सीपीयू की जो प्रोसेसिंग स्पीड है ना फास्ट करने के लिए होती है। मतलब क्या है कि रैम के अंदर जो डेटा पड़ा है सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है ऐसा डेटा, कि कोई कुछ डेटा ऐसा होता है जो सीपीयू को बार बार चाहिए होता है। रैम की इतनी स्पीड नहीं होती कि जितनी मतलब सीपीयू को फटाफट वो क्या करती रही डेटा देती रही। तो बीच में कैश मेमोरी इसलिए लोकेटेड होती है, कैश मेमोरी क्या करती है स्मॉलेस्ट होती है जरूर बट फास्टेस्ट भी होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी ऐसा डेटा रखती है जो कि सीपीयू को बार बार चाहिए होता है ना वो क्या करती है कैश मेमोरी अपने पास रख लेती है और बार बार वो रैम से नहीं लेती है, फिर कैश मेमोरी अपने अंदर लोकेट कर लेती है। उसको जो पता चलता है कि हाँ सीपीयू को ये डाटा बार बार चाहिए होता है तो वो कैश मेमोरी क्या करती है अपने पास रख लेती है वो डाटा। तो जिससे क्या है हमारी सीपीयू की परफॉर्मेंस या हम बोल सकते हैं सीपीयू की जो स्पीड है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारी कैश मेमोरी है जो
जो हमारी मेन मेमोरी होती है उसके बीच में लाई करती है, जो हमारी कैश मेमोरी है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच लाई करती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करती है, बहुत ज़्यादा स्पीड वाली स्मॉलेस्ट होती है, वो क्या करती है कॉपी जनरेट कर लेती है जो डेटा सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है रैम से। तो जिससे क्या है मतलब सीपीयू को अब डेटा क्या है रैम से नहीं लेना पड़ेगा, अब डायरेक्ट वो कैश मेमोरी से ले लेगा। तो इससे सीपीयू की परफॉर्मेंस या फिर प्रोसेसिंग और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स।